आज बादल होने की वजह से मौसम काफी ठंडा हो रखा होता है। और हाँ, मैं नहा लिया हूँ जल्दी। कांग्रेचुलेशन। ये ले बेटा चॉकलेट। वैसे इतनी तेज भी नहीं लगी होगी, तू नहीं खा रही, चल कोई नहीं मैं खा लेता हूँ, मगर मेरा हिस्सा तो बनता है ना। पिताजी और ताऊजी तैयार होकर खड़े हैं और साथ में ठीक ठाक बंदा भी CHD कैंटीन जाने के लिए। और जैसे कि मेरा आला से डिवोर्स का केस चल रहा है, तो मुझे भी रनिंग के लिए जूते चाहिए, मगर कैंटीन आज बंद रहती है। फिर क्या, दर बदर भटकते हैं, मगर कोई फायदा ना मिलने की वजह से हमें मुंह लटकाकर वापस घर आना पड़ता है। और आज ठेस बुद्धि के भैया की शादी है, इसलिए हम सभी चमचमा कर उसके भैया की बारात को प्रस्थान कर जाते हैं। बाराती होने की अहम भूमिका निभाने के बाद जब हम खाना खाने बैठते हैं, तो ठेस बुद्धि के भैया के ज्यादा हंसने की वजह से बारिश होने लग जाती है। वैसे तो खा पी कर हमें घर जाना चाहिए, मगर पुनिया के नाना जी की तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से हम सभी उनका हालचाल लेने पुनिया के नाना जी के घर चले आते हैं, क्योंकि उनका घर पास में ही था। राम राम भाई, राम राम। हालचाल लेते लेते थोड़ा चाय पीकर और प्यार भरी बाय बोलकर और प्यार से घर पहुंचकर मैं पहुंच जाता हूं स्लीप मोड में।